कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। होप्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया हुआ कि हमें शैम्पू में चुटकी भर मिलाना है। जी हाँ, जैसे कि बता दूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, इसे लगाने से इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप यूज़ करोगे ना फ्रेंड, आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने हेयर वॉश करके आई हूँ। मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप फ्रंट कैमरा क्यों नहीं आ रहे हो, सो बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और आज मैंने सोचा चलो आपके सामने मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने वॉश करके आई और कुछ भी मैंने कोम तक नहीं किया है फ्रेंड, और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। अगर आपके बाल झड़ते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा, प्री मैच्योर ग्रे हेयर से परेशान है वो भी सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। जैसे कि बता दूँ, जो यहाँ पे यूज होने वाला है फिटकरी, फिटकरी जो परफेक्ट होता है, जो हमारे वुमेन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत असेंशियल होता है हमारे स्कैल्प के लिए, और ये हमारे वुमेन बॉडी के लिए, वुमेन स्कैल्प के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है, लेट गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं। और पूरी वीडियो देखना और इसे प्लीज 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 आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर करना और अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। जैसे कि आप देख सकते हो, इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाटिका नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू, जिसमें ऑलरेडी भृंगराज, एलोवेरा, हीना, मेहंदी और यष्टी, मधु, ये सब मिक्स है फ्रेंड्स, जो डैमेज थेरेपी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ करता है। आप इसे ले सकते हो, ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लेना है 1 टेबल स्पून। अब देखिए फ्रेंड्स, इस शैम्पू में हमें ऐड करना है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे आपके बाल होंगे जड़ से काले। जी हाँ, इस शैम्पू को अच्छी तरह से ले लेना फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को इसमें क्या ऐड करना है। इसमें ऐड करना है फ्रेंड, देखिए इस तरह से मैंने रख लिया है कंटेनर में। इसमें ऐड करना है फ्रेंड्स हमें फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी जो होता है फ्रेंड्स, हमारे झड़ते हुए बालों को रोकता है, और फिटकरी में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो हमारे हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है फ्रेंड। और इसमें सल्फेट होने की वजह से हमारे ब्रेन टिश्यूज बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्रेंड्स। ये हमारे स्किन के लिए, एक बोलते हैं ना, एक स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है हमारे, इवन स्किन के लिए, हेयर के लिए, बहुत सारे चीज़ों में ये काम आता है फ्रेंड। और देखिए इसे कैसे लेना है, बस हमें थोड़ा सा यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पिलर के हेल्प से थोड़ा सा ले लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से, मैं ज़्यादा नहीं लेना है हमें, बस चुटकी भर लेना है। इस तरह से मैंने इसमें ले लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत ही कम लेना हमें, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बस चुटकी भर ही मिक्स करना है, इसे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है। इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक आपको छोड़ देना है, मोर देन 5 मिनट्स, आप 10 मिनट ज़्यादा छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना शैम्पू से स्कैल्प हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसे भी हेयर फॉल होता है फ्रेंड्स। बस इसे 5 से 10 मिनट्स मसाज करना है, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू के साथ अच्छी, नॉर्मल वाटर के साथ धो लेना, सॉरी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, इस मैजिकल शैम्पू देखिए बनके रेडी हो गया, जो हमारे बालों को काला करता है, सिल्की करता है, शाइन करता है। आप कोई भी शैम्पू चूज कीजिए जो कि हर्बल हो फ्रेंड्स, केमिकल फ्री हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी जरूर कॉमेंट्स करना। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँ फ्रेंड्स।